हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल अल्फा स्टडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज बात करने वाले रेलवे टेक्नीशियन ट्रेड फिटर से संबंधित। बहुत सारे दोस्त लोग कमेंट कर रहे हैं कि वैकेंसी इंक्रीज हो गया है, तो इंक्रीज होने के बाद अब सबसे हॉट टॉपिक है कि किस जोन में कितना वैकेंसी इंक्रीज हुआ है और किस जोन में अप्लाई करने से सेफ और सुरक्षित रहें, तो इससे संबंधित बात करेंगे। और बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि क्या नए लड़के भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और क्या अगर पुराने हैं उनके लिए फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा या उनको फिर से ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, इस सबसे संबंधित बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, यह अगर आप ITI ट्रेड फिटर से संबंधित है तभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अन्यथा इलेक्ट्रीशियन और या अन्य ट्रेड से संबंधित है तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। तो आइए सबसे बड़ा पहले बात करते हैं कि जो पोस्ट की संख्या था टोटल टेक्नीशियन का, उसमें पहले जो था 9144 पोस्ट था, अब जो बढ़ा के 14298 कर दिया गया है। उसमें जो बढ़ाया गया जो संख्या है ना दोस्तों, 5154 है, यानी 5154 पोस्ट बढ़ाया गया, तो कोई ज्यादा बढ़ाया नहीं गया है, तभी भी 5000 पोस्ट बहुत होता है। इसमें से दोस्तों जो टोटल वैकेंसी है 14298 में, उसमें फीटर के लिए स्पेशल 5716 पोस्ट है दोस्तों, यानी जो फीटर ट्रेड से ITI किए हैं उनके लिए लगभग 6000 के आसपास पोस्ट दिया गया है। तो काफी, मतलब माना जाए कि इलेक्ट्रीशियन के बाद सबसे ज्यादा पोस्ट अगर किसी ट्रेड का आता है तो वह फीटर के लिए आता है। अब बता दे दोस्तों, जो बात बहुत सारा दोस्त पूछ रहे थे कि यार न्यू कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे, तो जी हाँ, न्यू कैंडिडेट को मौका मिलेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। इस दौरान जो 2-3 महीना पहले फॉर्म फिलअप किया गया था हुआ था, उसमें जो लड़का फॉर्म फिलअप कर दिए उनको तो फॉर्म फिलअप करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा ओल्ड स्टूडेंट के लिए कि फिर से जोन चेंज करने के लिए मौका मिलेगा। और जो न्यू स्टूडेंट है वह टोटल ये जो 9141 पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे। अब नया जो पोस्ट जोड़ा गया है ओनली फॉर 5154 पोस्ट जो जोड़ा गया, इनके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका जो यह छूट गया तो छूट गया, इसके लिए आप इलिजिबल नहीं है। अब जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ओनली फॉर 5154 पोस्ट के लिए ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि जो फीटर के लिए कौन कौन पोस्ट पहले था। तो पहले से 7-8 पोस्ट था, जैसे ब्रिज का, CW, CNW का, डीजल मैकेनिक का और इलेक्ट्रीशियन TRS का पोस्ट था, और EMU फीटर एंड ट्रैक टेक्नीशियन ट्रैक मशीन का पोस्ट था। ये सब 8 पोस्ट था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पोस्ट था पहले से जो फीटर इसके लिए इलिजिबल थे। अभी जो न्यू जो जोड़ा गया है, जैसे पहले से जो 18 कैटेगरी में वैकेंसी आया था दोस्तों, अब इसमें क्या कह दिया, 22 कैटेगरी का और वैकेंसी जोड़ दिया गया है, जो वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन का पोस्ट है। तो टोटल कैटेगरी की संख्या अब 40 हो जाता है, जिसमें 40 में पहले से 8 तो था फीटर के लिए, और बाद में फिर 7 गो और पोस्ट जोड़ गया फीटर के, यानी 15 पोस्ट के लिए फीटर इलिजिबल है, जिसमें अभी जो नया जुड़ा है ब्रिज का पोस्ट नंबर देख लीजिएगा आप दोस्तों, जो नोटिफिकेशन में 25 नंबर में मिलेगा ब्रिज, डीजल मैकेनिक मिलेगा 26 नंबर में, 27 नंबर मैकेनिकल मिलेगा, मल्टी स्किल फीटर मिलेगा, उसके बाद 29 नंबर में, 30 नंबर में फीटर स्पेशल मिल जाएगा, उसके बाद रिगर मिल जाएगा 31 नंबर में। तो इतना पोस्ट है दोस्तों जो फीटर के लिए इलिजिबल है। अब बात करेंगे कि किस जोन में कितना पोस्ट है न्यू वाला में, पुराना वाला में जो पोस्ट था उसको नहीं, पूरा जोड़ के, पुराना और नया जोड़ के किस जोन में कितना फीटर का सीट है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जनरल के लिए 214 है, SC के लिए 67 और ST के लिए 35 और OBC के लिए 150 एंड EWS के 52, यानी टोटल आपको 518 पोस्ट है। तो काफी अच्छा पोस्ट है, अगर आप चाहते हैं अहमदाबाद में तो पहले से फिर है
फॉर्म फिलअप किए हुए तो कोई नहीं, अगर जोन चेंज करके आना चाहते हैं तो आ सकते हैं आप, बहुत अच्छा पोस्ट है। उसके बाद वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों, 5 ऐसा जोन बताएंगे दोस्तों जिसमें हर बार की तरह इस बार भी कम कटअप जाने वाला है। सेकेंड अजमेर का है, जनरल के 198, एससी का 59, एसटी का 29 है, ओबीसी का 109 और ईडब्ल्यूएस 61, टोटल सीट हो गया दोस्तों 456। उसके बाद बात करेंगे बेंगलोर के लिए, जनरल 55, एससी 51 है और एसटी के लिए 11 सीट है, ओबीसी के लिए आपको 35 और ईडब्ल्यूएस 15 और टोटल सीट हो गया 137। तो यहाँ पे जो अहमदाबाद अच्छा खासा वैकेंसी है, उसके बाद अजमेर में अच्छा खासा वैकेंसी है, उसके बाद भोपाल जनरल 93, एससी 20, एसटी 9 और ओबीसी 21, ईडब्ल्यूएस का 15 है, टोटल सीट हो गया आपको 158। भुवनेश्वर में जो प्रीवियस ईयर जो सीट था वही है, 18 जनरल के लिए 6, एससी के लिए एसटी के लिए 5 है, ओबीसी 12 और ईडब्ल्यूएस 9, 8 और टोटल सीट 49 है दोस्तों। बिलासपुर में भी कुछ चेंज हुआ है लेकिन ज्यादा वेरिएशन नहीं मिला है। बिलासपुर के लिए 118 सीट जनरल के लिए है, एससी के लिए 37 है, एसटी के लिए 17 है, ओबीसी के लिए 68 है और ईडब्ल्यूएस के 25, टोटल सीट 265 है। उसके बाद चंडीगढ़ के लिए जो सीट था वही सीट है, चंडीगढ़ 29 सीट फीटर के लिए था जनरल में, एससी में 7, एसटी में 7, ओबीसी में 13, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 10 और टोटल 66, ठीक है। चेन्नई में, चेन्नई आपका बेस्ट जोन है, इस बार बढ़ा भी, बहुत अच्छा सीट है, बहुत सारा वैकेंसी सिर्फ फीटर के लिए दे दिया गया चेन्नई में, तो आपके लिए चेन्नई बेस्ट है दोस्तों, ये स्टार मार्क लगा लीजिए, चेन्नई में आप जा सकते हैं, जहां पे जनरल के लिए 355 और एससी के लिए 143 सीट है और एसटी के लिए 75, ओबीसी 224 और 96 दे दिया है ईडब्ल्यूएस, टोटल हो गया 893, ठीक है। गोरखपुर में कोई चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा मोड़ा एकाध 10 गो वैकेंसी चेंज हुआ है, तो जनरल के लिए 75, ओबीसी एससी के लिए 22 और एसटी के लिए 12 हो गया, ओबीसी 33 हो गया, जनरल ईडब्ल्यूएस 16 हो गया और टोटल सीट 158 हो गया। गुवाहाटी में भी चेंज हुआ है, बहुत सारा सीट बढ़ा है दोस्तों, गुवाहाटी में जनरल के 98 है, उसके बाद एससी के लिए 39, एसटी 22, ओबीसी 72 और 25, ईडब्ल्यूएस टोटल सीट 256, ठीक है। उसके बाद जम्मू में बात करेंगे तो जम्मू में बहुत सारा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं लेकिन यहाँ पे भी ठीक ठाक सीट है, जनरल के लिए 91, एससी के लिए 41, एसटी के लिए 23, ओबीसी 76 और ईडब्ल्यूएस 28, 259 सीट है। उसके बाद कोलकाता में दोस्तों बहुत सारा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करवे नहीं किए, इस बार हॉट सीट जाता है, यहाँ पे सबसे डेंजर जोन माना जाता है, लेकिन जो सेकेंड बार में अभी इस बार जो न्यू वैकेंसी दिया बहुत सारा सीट जोड़ के, यानी टॉप 5 में इसका स्थान आ गया है, जो जनरल के लिए 245 सीट है, उसके बाद एससी के लिए 90 है, एसटी के लिए 53 है, ओबीसी 127 और ईडब्ल्यूएस 72, यानी 587, यानी 600 के आसपास सीट कोलकाता में है। तो आप आंख मुन के, अगर अगल बगल में कोई डेंजर जोन में है तो आप इस बार कोलकाता सेफ जोन रहने वाला है। उसके बाद मालदा में सेम था, जनरल 29, एससी के लिए और 33 और एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट और टोटल यहां पे मालदा में है 52। उसके बाद मुंबई, ये सब जो टोटल सीट बता रहे हैं ऑल ओवर, ओवरऑल नहीं है दोस्तों, सिर्फ फीटर के लिए, जो फीटर कैंडिडेट है वो इलिजिबल इतना पोस्ट के लिए है जोन वाइज, तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि इतना ही पोस्ट है, ठीक है, इतना पोस्ट नहीं है, इतना पोस्ट के लिए सिर्फ फीटर इलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मुंबई में, मुंबई बहुत अच्छा जोन है, इस बार मुंबई के में भी बहुत अच्छा वैकेंसी दिया है, 336 पोस्ट है, 336 और 99 पोस्ट है दोस्तों,
मुंबई में एससी के लिए 55 पोस्ट है, एसटी के लिए 238 पोस्ट है, ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 95 है, टोटल 823 सीट है दोस्तों। मुजफ्फरपुर में कोई चेंजेस नहीं है, 27 जनरल एससी, एससी 4, एसटी 6, ओबीसी 6, ईडब्ल्यूएस 5, टोटल 48, इसमें कोई बढ़ा नहीं है। पटना में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ, 76, 35, 19, 57, 28 और 215 टोटल सीट। और प्रयागराज में भी कोई चेंज नहीं है, 67, 9, 9, 8, 12, 115 सीट है दोस्तों। उसके बाद रांची में भी नहीं चेंज हुआ है, 51 जनरल है, वो एससी 56, 11, 30, 76 फ्रॉम द 179 सीट है। सिकंदराबाद में बढ़ा है, सिकंदराबाद आपको लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, 79, 149, 53, 29, 86, 46, 46 और 363, तो यह बहुत अच्छा जोन है दोस्तों। उसके बाद सिलीगुड़ी 15, 5, 3, 9, 5, 37, यह सबसे मतलब इसमें हमको नहीं लगता है कि जो सिलीगुड़ी के पर्सनल निवासी होंगे या कहीं दूसरे जगह जॉब करते हैं होंगे वही सब कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे ना, अन्यथा इतना कम वैकेंसी में बहुत सारे कम कैंडिडेट ही फॉर्म फिलअप करेंगे। वही तिरुवनंतपुरम में भी 21, 23, 24, 9, 9, 82 वैकेंसी है। तो अब बात करेंगे दोस्तों यह फीटर के लिए जोन वाइज और कैटेगोरी वाइज वैकेंसी दिया गया, आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो कैटेगोरी है आपका और उसके बाद जिस जोन में ठीक ठाक वैकेंसी है, ज्यादा हाई में भी नहीं जाना है, जैसे दोस्तों मुंबई में आपका सेफ जोन में रहना है दोस्तों तो आप चेन्नई छोड़ दीजिए, चेन्नई छोड़ दीजिए, मुंबई छोड़ दीजिए और उसके बाद कोलकाता छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे अहमदाबाद अजमेर में जा सकते हैं, उसके बाद बिलासपुर ठीक ठाक है, उसके बाद गुवाहाटी में जा सकते हैं, उसके बाद कोलकाता में भी ठीक ठाक इस बार जो बढ़ा दिया है तो ठीक हो गया, उसके बाद सिकंदराबाद। यह पांच जोन ऐसा है जिसमें आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपको हमेशा इसका कट ऑफ लो लेवल ही रहता है, हाई नहीं जाता है। उसके बाद दो चार को जैसे छुपा रुस्तम जोन होता है, जैसे गोरखपुर कभी देखिएगा, गोरखपुर के इतना कम कट ऑफ चला जाएगा, उसके बाद मुजफ्फरपुर ठीक है, उसके बाद मालदा का कट ऑफ इतना कम जाएगा, लेकिन आप अगर रिक्स लेने वाले हैं तो तभी ही रिक्स लीजिएगा, ताकि ये सब का कोई ठीक नहीं है, एक ही बार लो तो लो और नहीं तो हाई कट ऑफ चला जाता है। तो यही आईटीआई ट्रेड फीटर से संबंधित, अगर वीडियो अच्छा लगे तो बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं दोस्तों और पूरा जोन वाइज डाटा निकाल के आपको एकत्रित करके दिए हैं। अब आपसे 5 से 6 दिन का समय है, इसके दौरान आपको पोर्टल खुल जाएगा, आप अपना जोन सेलेक्ट कीजिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।